नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR Academy में। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे, आज हम सॉइल साइंस शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी जो सॉइल साइंस के कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर चलेंगे, पूरा PDF फॉर्म में रहेगा और लास्ट में हम इसका PDF शेयर कर देंगे। एग्रोनॉमी का PDF हमने आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और इस तरह हम सारे सब्जेक्ट एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद में जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी कवर करेंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि आपका एक तरह से पूरा बेसिक जो एग्रीकल्चर का है, बेसिक सॉइल साइंस हो गया, आपका बेसिक एग्रोनॉमी हो गया, प्लांट साइंस हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया जिसमें जेनेटिक्स आ गया, आपका एंटोमोलॉजी आ गया, ये सारे सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हम आपका क्या करेंगे, कवर करेंगे। और उसके बाद जब एक बार हमारा बेस कवर हो जाएगा, बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा, तब उसके बाद हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर हम जो भी इम्पोर्टेंट और बाकी के बचे हुए टॉपिक होंगे वो भी आपके कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम सॉइल साइंस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉइल क्या होता है? तो सॉइल अगर हम देखें तो ये एक नेचुरल बॉडी होती है, प्राकृतिक बॉडी होती है, कोई इसको बनाता नहीं है, नेचर ने ही बना कर दिया है। ये सरफेस नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस अर्थ की सरफेस में इन विच प्लांट ग्रोज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग फॉर्म। तो इसको लिविंग फॉर्म क्यों कहते हैं? सॉइल को अगर देखा जाए तो एक लिविंग बॉडी भी कहते हैं। लिविंग बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि सॉइल में जितने भी लिविंग चीज़ें होती हैं, माइक्रोब्स हो गए, आपके माइक्रो प्लांट हो गए या बिगर प्लांट हो गए, उसके साथ ही देखें हम ह्यूमंस भी जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं? सॉइल्स में ही रह रहे हैं। इस वजह से सॉइल्स को क्या कहते हैं? एक लिविंग बॉडी भी कहते हैं। और ये किसका कंपोज्ड होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, साथ में सॉइल वाटर और सॉइल एयर होती है। और अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो मिनरल मैटर जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 45% मिनरल मैटर होता है, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 5% होता है, और बचे हुए 50% में सॉइल वाटर और सॉइल एयर होता है। 25% कहते हैं एक जनरल टर्म में, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए 40% अगर सॉइल वाटर हो गया तो सॉइल एयर हमारा 10% बचेगी। क्यों? क्योंकि जो सॉइल वाटर और सॉइल एयर होता है वो जो सॉइल में पोर्स होते हैं, जो जिन्हें पोर स्पेस या जिन्हें रंध्र कहते हैं, वहाँ पर ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ जब ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रपोर्सन में होते हैं। तो ये चार चीज़ें हमारी किस में होती हैं? सॉइल में। इन चार चीज़ों से हमारी सॉइल बनी हुई होती है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। हमारा सॉइल टेक्सचर आ गया, सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, सरफेस एरिया, सॉइल डेंसिटी, पोरोसिटी, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर के बारे में। इसके बारे में सॉइल टेक्सचर के बारे में। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है? सॉइल टेक्सचर देखें, हमारी सॉइल किससे मिलकर बनी होती है? सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीन पार्टिकल होते हैं, साइज के हिसाब से होते हैं पार्टिकल। इन तीनों पार्टिकल का जो हमारा रेशियो होता है, जितने प्रपोर्शन में ये सॉइल में होते हैं, वो रेशियो हमारा क्या कहलाता है? सॉइल टेक्सचर। मान लीजिए 1:2:2 के रेशियो में है, सैंड एक भाग है तो दो भाग हमारा सिल्ट है, दो भाग हमारा क्ले है। तो इस तरह के जो प्रपोर्सन, ये प्रपोर्सन हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा सॉइल टेक्सचर। अब आप देख रहे हैं सॉइल टेक्सचर प्रोपोर्शन में होता है, तो इसको बदलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई सॉइल सैंडी है तो आप उसमें जाकर खुद से क्ले तो मिक्स नहीं करेंगे, ना ही क्ले को आने का कोई सोर्स है। तो ये जो सॉइल टेक्सचर जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही रेयरली जो है हम इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्योंकि प्रपोर्सन हम कैसे चेंज करेंगे? जब किसी को ऐड करेंगे या किसी को कम करेंगे, और ये चीज़ जनरली हो नहीं पाती है। एक बड़े लैंडमास में ये चीज़ करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये हमारा सॉइल टेक्सचर होता है और ये अल्टर नहीं हो पाती, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं सॉइल की। अब टेक्सचरल क्लासेस की बात करें, जो सॉइल टेक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, तो इनकी बात अगर करें तो सैंड हमारा क्या होता है? जिनका पार्टिकल साइज जो है हमारे 2 mm से 0.02 mm तक होता है, वो हमारा सैंड कहलाता है। मतलब जो बड़ा पार्टिकल होता है, सैंड एक तरह से रेत होती है, बड़ा पार्टिकल वो हमारा क्या कहलाता है? सैंड कहलाता है। इसमें यूनिफॉर्म डायमेंशन होता है और ये स्फेरिकल प्रेजेंटेड किए जा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये स्मूथ हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सैंड कहलाता है। और ये क्वार्ट्ज से बने होते हैं, जो क्वार्ट्ज हमारा जिसमें सिलिका होता है
उससे बने होते हैं, साथ में फेल्डस्पार, माइका, इनसे भी ये क्या होता है, बने होते हैं सैंड। इसके बाद अगर सिल्ट की बात करें तो सिल्ट सैंड से जो छोटा पार्टिकल होता है वो हमारा सिल्ट कहलाता है, जिसका डायमीटर कितना होता है 0.02 mm से 0.002 mm तक होता है, वो हमारा सिल्ट कहलाता है। और इसका साइज अगर स्मॉलर होता है तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये इनमें जो क्ले होती है, क्ले इनके चारों तरफ क्या होती है, चिपकी हुई होती है, कोटेड होती है, और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इनमें होती हैं। और सैंड और सिल्ट मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, स्केलेटन। जो सॉइल का स्केलेटन होता है वो सैंड और सिल्ट मिलकर बनाते हैं, क्योंकि क्ले क्या होता है, बहुत ही फाइनर पार्टिकल होता है, तो वो सिर्फ एक तरह से क्या कहता है, उसको जो स्केलेटन एक तरह से बनेगा उसमें फ्लैश का काम करता है वो, लेकिन स्केलेटन जो हमारा होता है सॉइल का, वो सैंड और सिल्ट बनाता है। इसके बाद अगर क्ले की बात करें तो क्ले हमारा जो इनसे भी छोटा पार्टिकल होता है वो क्ले कहलाता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिसका डायमीटर कितना होता है 0.002 mm से कम होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्ले कहलाता है। और ये जनरली किससे मिलकर बने होते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स इनको कहते हैं, क्ले को सेकेंडरी मिनरल्स कहते हैं, जो कि प्राइमरी मिनरल से बने हुए होते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो क्ले की सबसे ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि जब छोटे पार्टिकल होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, तो इनमें जो पोर स्पेस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लीजिए सैंड है, तो सैंड इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल है, ये पार्टिकल हो गए, तो इनके जो पोर स्पेस हैं ये है, ये पोर स्पेस है, तो ये क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर हम क्ले की बात करें, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो इतने ही डायमीटर इतनी ही जगह में अगर आप देखें तो कितने सारे क्ले आ जाएंगे और कितना इसमें पोर स्पेस होगा, तो पोर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो किसकी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा क्ले की होती है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है सैंड सिल्ट और क्ले का जो डायमीटर हो गया, साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस पार्टिकल की ज़्यादा होती है या किस सॉइल की ज़्यादा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्ले की। अब अगर इम्पॉर्टेंस की बात करें सॉइल टेक्सचर की, तो इम्पॉर्टेंस क्या होता है, तो अगर सैंडी सॉइल की बात करें तो ये लूज और फ्राइबल होते हैं, मतलब बड़े पार्टिकल होंगे तो लूज होंगे, फ्राइबल मतलब एक तरह से बिखर जाने वाले होते हैं। और सच टाइप ऑफ अ टेक्सचर इज ईजी टू हैंडल इन टिलेज ऑपरेशन। इनमें जो टिलेज ऑपरेशन करते हैं, टिलेज करते हैं, मान लीजिए वीडिंग करनी है, हैंड वीडिंग करनी है, तो अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें टिलेज ऑपरेशन ईजी होता है, क्यों, क्योंकि इन्हें जो रजिस्टेंस, अगर मान लीजिए कोई मशीन हम चला रहे हैं किसी सॉइल में, तो रजिस्टेंस किसकी वजह से आएगा, सॉइल कितनी कॉम्पैक्ट है उस हिसाब से आएगा। तो ये जो सैंडी सॉइल होती है इनमें पार्टिकल बड़े होते हैं, लूज होते हैं, ये ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इस वजह से जो इनसे रजिस्टेंस है, जो इनसे फोर्स क्रिएट होता है किसी मशीन पर, मशीन को ऑपरेट करने पर, वो कम होता है, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, ईजी टू हैंडल कहते हैं, ऐसी सॉइल को ईजी टू हैंडल कहते हैं, साथ में इन्हें हम क्या कहते हैं, लूज सॉइल भी कहते हैं। और सैंड फैसिलिटेज ड्रेनेज एंड एरेशन, तो ड्रेनेज और एरेशन इनमें अच्छे से होता है, इट अलाउज रैपिड इवेपोरेशन एंड परकुलेशन, और जो इवेपोरेशन हो गया सॉइल से, वाटर का लॉस हो गया, या फिर परकुलेशन हो गया सॉइल की नीचे सतह में पानी का जाना हो गया, वो इजी होता है, क्यों, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, तो आराम से अगर पानी को नीचे जाना हुआ तो आराम से चला जाएगा, या फिर इसका इवेपोरेशन होना हुआ तो वो भी आराम से हो जाएगा। सैंडी सॉइल्स हैव वेरी लिटिल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी कम होती है, क्यों होती है, आपको अभी बताया। सच सॉइल्स कैन नॉट स्टैंड ड्रॉट एंड अनसुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग, तो ये ड्रॉट कंडीशन में इनमें क्रॉपिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर अगर सैंडी सॉइल है तो वहाँ पर इरीगेशन की फैसिलिटी होना बहुत ही आवश्यक है, एक तरह से प्री रिक्विजिट है। सैंडी सॉइल्स आर पुअर स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट न्यूट्रिएंट जो है वो भी सैंडी सॉइल में स्टोरेज कम होता है, साथ ही लो ऑर्गेनिक मैटर होता है सैंडी सॉइल में, लीचिंग ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिएंट इज वेरी हाई, तो लीचिंग भी, जो लीचिंग का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग, कि न्यूट्रिएंट्स का एक तरह से रूट जोन जो होता है, जहाँ पर रूट फैलती है, या फिर ऊपरी जोन से नीचे चले जाना, जहाँ तक रूट नहीं जा पाती उस जोन में चले जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है न्यूट्रिएंट्स का। तो जैसे अब पानी जा रहा है नीचे, तो पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स भी तो जाएंगे, पानी में जो न्यूट्रिएंट्स
घुले हैं हुए हैं, जो सॉल्यूट न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉल्यूशन बना हुआ है, तो न्यूट्रिएंट्स वो तो छूट के जाएंगे नहीं, वो भी पानी के साथ नीचे जाएंगे, तो इसमें क्या होता है, लीचिंग जो है वो हाई होती है। इन सैंडी सॉइल्स फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन सच एज पोटैटो, ग्राउंडनट एंड कुकम्बर। तो सैंडी सॉइल में जो रूट क्रॉप होती हैं कह सकते हैं, या जो ज़मीन के नीचे जो ग्रो होती हैं, जैसे पोटैटो का जो इकोनॉमिकल पार्ट है, स्टेम है, लेकिन वो ज़मीन के नीचे ग्रो होता है, ग्राउंडनट इसी तरह हो गया, तो ये इनके लिए ऐसी सॉइल जो है वो बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्पैक्ट सॉइल हो जाएगी, क्ले सॉइल हो जाएगी, तो उनमें फिर क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। चलिए अगर बात करें वहीं क्ले सॉइल की, तो क्ले पार्टिकल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फर्टिलिटी। क्ले पार्टिकल जिस भी सॉइल में होंगे उनमें सॉइल फर्टिलिटी अच्छी मानी जाती है। साथ ही क्ले सॉइल्स आर डिफिकल्ट टू टिल, टिलेज ऑपरेशन करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होती है, ज़्यादा फोर्स ये क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से टिलेज ऑपरेशन इनमें जो है वो मुश्किल होता है। एंड इट रिक्वायर्स मच स्किल इन हैंडलिंग, और ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होगी। और अगर मॉइस्ट क्ले हुई जिसमें नमी हुई, उसमें तो टिलेज ऑपरेशन और भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाएगा, क्योंकि सॉइल भी साथ में क्या हो जाती है, इष्टकी हो जाती है। और जब ड्राई होती है वही सॉइल, तो उसमें एक तरह से क्या हो जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं। जैसे आपने काली मिट्टी देखी होगी, वो जब गीली रहती है तब एक तरह से इष्टकी रहती है, और उसके बाद जब वो सूखती है तो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, तो इसमें टिलेज ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दे हैव फाइन पोर्स, इनमें फाइन पोर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ड्रेनेज जो है इनमें बहुत ही पुअर होता है, और एरेशन भी पुअर होता है। क्यों? सॉइल कॉम्पैक्टनेस की वजह से। दे हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लेकिन इनमें बहुत अच्छी होती है, और परकुलेशन हो गया ये, या फिर इवेपोरेशन हो गया, ये इनमें कम होता है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी होती है कि जो ऊपरी सतह का, जो सरफेस सॉइल का वाटर अगर नीचे नहीं जा पाएगा, तो कभी अगर ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से वहाँ पर फ्लड की या वाटर लॉगिंग की संभावना पर ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस वाटर है वो नीचे नहीं जा पा रहा है, तो फिर इससे फ्लड या फिर वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ जाती है। दे आर जनरली वेरी फर्टाइल सॉइल, अगर फर्टिलिटी की बात करें तो ये फर्टाइल होती हैं, और इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट, मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट इनमें अच्छा होगा, प्लांट न्यूट्रिएंट अच्छा होगा तो फिर फर्टाइल होंगी। और इनमें राइस हो गया, जूट, शुगर के, या फिर कह सकते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो होती हैं उनके लिए ये सॉइल जो है अच्छी होती है। इसके बाद अगर बात करें लोम या फिर सिल्ट लोम सॉइल, तो अगर एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे अच्छी सॉइल हमारी क्या होती है, लोम सॉइल होती है। क्योंकि इसमें अगर प्रोपोर्शन देखें तो सैंड सिल्ट क्ले का बहुत ही ऑप्टिमम प्रोपोर्शन होता है, और इनकी सारी क्वालिटी जो है इनमें होती हैं, सैंड की भी क्वालिटी, सिल्ट की भी, और साथ में हमारी क्ले की भी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होगी, फर्टाइल सॉइल भी होगी, और इसमें ना ज़्यादा वाटर लॉगिंग की समस्या होगी। तो इस वजह से सबसे अच्छी सॉइल हमारी कौन सी मानी जाती है, लोमी सॉइल, और सबसे ज़्यादा हायर डिजायरेबल सॉइल टाइप है ये। जनरली द बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल्स आर दोज कंटेंट 10 to, इसमें अगर देखें रेशियो तो 10-20% तक क्ले, 5-10% तक ऑर्गेनिक मैटर होता है, और इसके बाद सारी चीज़ें बाकी जो बची हुई वो सिल्ट में, सैंड में इक्वली डिवाइड होती हैं। इस वजह से ये इसे क्ले लोम भी कह सकते हैं, और सबसे अच्छी सॉइल ये होती है इसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा सॉइल टेक्सचर के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर बाकी भी चीज़ें हैं वो एक एक करके हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।